गौरवशाली इतिहास से लेकर वैश्विक स्तर की आधुनिकता, चकाचौंध से भरे शहर से लेकर सुकून देने वाले समंदर तट, विरासत संजोते पर्यटन स्थल से लेकर विकास की दौड़ लगाता वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा है देश दुनिया में मशहूर अपना गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोवा के सपनों को ऊंची उड़ान भरने के लिए नई ऊर्जा मिली है। अब गोवा और चमक रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हर वो जतन किए हैं जिससे गोवा विकास के पैमाने पर सबसे आगे खड़ा दिखे। हर साल इस छोटे से राज्य में 25 लाख पर्यटक आते हैं और यहाँ के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए खासा प्रभावित होते हैं। अब जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की होती है तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का जिक्र अपने आप आ जाता है। सड़क परिवहन के मामले में देश को नई दिशा देने वाले गडकरी जी ने गोवा को और बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मौजूदा वक्त में गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। पिछले 8 साल में 4878 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का काम हुआ है। इसी अवधि में 7632 करोड़ की लागत के 61 काम अवार्ड किए गए हैं। इसमें से 2022 तक 39 काम पूरे कर लिए गए हैं और बाकी 22 कामों के 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर गोवा राज्य से गुजरते हैं। ये कॉरिडोर हैं मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी कॉरिडोर। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 137 किलोमीटर लंबी गोवा से गुजरने वाले सेक्शन के 4-6 लेनिंग के लिए 10,960 करोड़ रुपए की परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। वहीं हैदराबाद पणजी कॉरिडोर की बात करें तो गोवा में इसकी कुल लंबाई 69 किलोमीटर है। इसमें से करीब 15 किलोमीटर की दो परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। बाकी बचे सड़क के निर्माण के लिए भारत सरकार ने भूमि ग्रहण हेतु 97.57 करोड़ की मंजूरी दी है। भूमि अधिग्रहण के बाद 6,176 करोड़ की अनुमानित लागत से 4 लेनिंग का काम शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं के अलावा गोवा में टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नए मोपा एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया गया है। इस एयरपोर्ट को मुंबई गोवा हाईवे से जोड़ने के लिए 6.8 किलोमीटर के लिंक रोड निर्माण की सरकार ने मंजूरी दी है जिसकी लागत 1,183 करोड़ रुपए है। गोवा राज्य में स्थित मर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट को मुंबई गोवा राजमार्ग से जोड़ने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के अंदर 4 लेन का काम किया गया है। इस पोर्ट में कार्गो के लगातार मूवमेंट के लिए कई सारे लूप्स के निर्माण का काम भी शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ गोवा साथ ही आसपास के राज्यों से भी मूवमेंट को बेहतर किया जा सकेगा। साल दर साल इस राज्य को अलग अलग प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है और अब इसी कड़ी में नाम आता है गोवा का जुआरी केबल स्टे ब्रिज। नदियों को बांधता एक ऐसा ब्रिज जो यातायात तो आसान बनाता ही है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का अहम केंद्र बनने जा रहा है। आज गडकरी जी इसी ब्रिज को जनता को समर्पित कर रहे हैं। ब्रिज की बात करें तो पंजिम मैंगलोर खंड के NH-17 या NH-66 पर जुआरी नदी पर बना ये ब्रिज देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। जुआरी केबल स्टे ब्रिज समेत इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में 2,530 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये ब्रिज उत्तरी गोवा में स्थित बम्बोलिम को दक्षिण गोवा के वेरना जंक्शन से जोड़ता है। केबल स्टे ब्रिज 640 मीटर लंबा है जिसमें 360 मीटर का सेंट्रल स्पैन और दोनों तरफ 140 मीटर का एंड स्पैन है। ब्रिज के दोनों तरफ 12 किलोमीटर के अप्रोच रोड का काम पूरा हो चुका है। ब्रिज डेक वर्ल्ड क्लास रोबोटिक वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करके साइट पर बनाया गया है। 8 लेन के इस केबल स्टे ब्रिज जुआरी नदी के 2 लेन ब्रिज पर ट्रैफिक को कम करेगा। साथ ही 270 करोड़ की लागत से टावर में बनी टूरिस्ट ऑब्जर्वेटरी और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से पर्यटकों को भव्य नजारे दिखाए जाएंगे। ब्रिज में 2 टावर बन रहे हैं जिसमें घूमने वाला रेस्टोरेंट होगा और रेस्टोरेंट तक जाने के लिए वॉकवे आर्ट गैलरी की परिकल्पना भी है।
बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 13.20 किलोमीटर है। इसमें सिरदाव ब्रिज को मिलाकर बम्बोलिम से अगस्सिम तक की कुल लंबाई 7.336 किलोमीटर है। वेरना से अगस्सिम तक की कुल एलिवेटेड लंबाई 5.864 किलोमीटर है। इससे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच का सफर का समय कम हो जाएगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कटौती आएगी। पूरे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सफर सुरक्षित और आसान हो जाएगा। इस ज्वारी ब्रिज को आज नितिन गडकरी जी जनता को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जब बात देश की हो, लोगों की हो और एक ऐसे लीडर की हो जो न सिर्फ सपने देखता है, उन सपनों को धरातल पर उतारना भी हो, तो नितिन गडकरी जी जैसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं।